दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन और सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को बुरी तरह से रौंद दिया। इसके बाद अब भारतीय टीम की नजर दूसरे T20 मुकाबले पर है और टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने इस बीच दूसरे T20 में खेलने वाली भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया। चलिए बताते हैं आपको कि किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में सीरीज का पहला T20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा, जहां पहले युवा खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाया तो वहीं गेंदबाजी में भी श्रीलंकन टीम को बुरी तरह से धूल चटा दी और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लेकिन अब होने वाले दूसरे T20 मुकाबले को लेकर काफी अटकलें तेज हो चुकी हैं। बता दें कि मैनेजमेंट ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है जो दूसरे T20 मुकाबले में खेलती हुई नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों भले ही भारतीय टीम पहला T20 मुकाबला जीत गई हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने दूसरे T20 मुकाबले में कुछ बदलाव किए हैं। बता दें कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर शिखर धवन के साथ ही पृथ्वी शॉ को इस मुकाबले में मौका नहीं दिया जाएगा। उनकी जगह पारी की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ कर सकते हैं। वहीं 3 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन को टीम में शामिल किया जाएगा। बता दें क्योंकि वनडे मुकाबले के बाद अब पहले T20 मुकाबले में संजू सैमसन ने अच्छा खेल दिखाया था, जिससे यह साबित हो गया था कि वो T20 में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने का काम करेंगे। सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो वनडे सीरीज में भी आग उगलता हुआ नजर आ चुका है, जबकि T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भी सूर्य कुमार यादव का जलवा देखने को मिला। उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए अपनी पावर दिखाई, जिसके बाद भारतीय टीम मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए फिर एक बार ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया, क्योंकि ईशान किशन ने अपने वनडे डेब्यू मैच में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 59 रनों की पारी खेली थी और उसके बाद पहले T20 मुकाबले में उनके 20 रनों की वजह से ही, यानी कि नाबाद 20 रनों की पारी की वजह से ही भारतीय टीम महत्वपूर्ण स्कोर खड़ा कर पाई थी। बता दें कि 6वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या के ऊपर फिर से एक बार राहुल द्रविड़ दाव लगाना चाहते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या किसी भी स्थिति में मैच को पलटने का मादा रखते हैं। 7वें नंबर पर उन्हीं के भाई कुणाल पांड्या को टीम में जगह दी जाएगी, जो बल्ले और गेंद दोनों के साथ में टीम को मजबूती देंगे। इसके साथ ही 8वें नंबर पर टीम का नेतृत्व तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार करते हुए नजर आएंगे। भुवनेश्वर कुमार के पास मौजूदा समय में तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा अनुभव है, तो वहीं उनका साथ देंगे दीपक चहर, जो कि दूसरे वनडे मुकाबले में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। बता दें कि दीपक चहर नई गेंद के साथ ही साथ बल्ले से भी कमाल करने का दमखम रखते हैं और उन्होंने अपना जलवा दूसरे वनडे मुकाबले में दिखा ही दिया था, इसीलिए दीपक चहर को एक ऑलराउंडर के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि 10वें और 11वें खिलाड़ी के रूप में एक बार फिर से टीम में यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी खेलते हुए नजर आए, क्योंकि पहले T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने अपना डेब्यू किया था और उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। तो दोस्तों इस तरह से टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने इन 11 खिलाड़ियों का ऐलान किया जो दूसरे T20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम दूसरे T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।